नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। ब्रज दर्शन करने आई महिला हुई ठगी की शिकार, साइबर ठगों ने लगाया लाखों का चूना। अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा या पिकनिक मनाने का मन बना रहे हैं और ऑनलाइन होटल बुक करने की सोच रहे हैं तो हो जाओ सावधान, क्योंकि कहीं आप ठगी का शिकार ना हो जाए, क्योंकि साइबर ठगी करने के लिए नए नए उपाय निकल रहे हैं। ऐसा ही मामला मथुरा के गोवर्धन में देखने को मिला है। यहां मुंबई से ब्रज दर्शन करने आई एक महिला ठगी की शिकार हुई है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसने गूगल के माध्यम से ऑनलाइन होटल बुक कराया और होटल बुक करने के नाम पर उससे लाखों रुपए ठग लिए गए हैं। पीड़ित महिला ने साइबर क्राइम में शिकायत की है। मथुरा से संवाददाता राजेश सोलंकी की रिपोर्ट। जी बताएं आंटी, क्या करना होगा? अच्छा, मैं सभी यात्रियों को सावधान करना चाहती हूँ कि कभी भी जब भी बुकिंग करवाए यहाँ कोई भी यात्रा स्थल का, तो ऑनलाइन से जो भी नंबर आपको मिलता है उसकी पूरी जांच कर ले और वेरीफाई करे कि वो सही नंबर है, सही जगह है। उसके बाद ही बने तो हो सके तो वो अपने गौर से ही बुकिंग करवाए, वहां डायरेक्ट पैसा मत भेजिए। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है उसी तरह से। मैं जतिपुरा में बिनानी में मैंने पैसे डालने के लिए रूम बुकिंग के लिए गूगल में से नंबर निकाला था, वो नंबर में उन्होंने पैसे मुझे भेजने के लिए बोला था रूम बुकिंग का, और वो पूरा फ्रॉड निकला है। तो आप सब को मैं सावधान करना चाहती हूँ कि अभी कभी भी इस तरह से गूगल में या ऑनलाइन में या अपने बैंकिंग में कभी भी पैसा मत भेजें, और बहुत सावधान रहे। सबको सावचेत करती हूँ क्योंकि मेरे काफी पैसे उसमें निकल गए हैं। लगभग कितने पैसे आपके निकल चुके हैं और किस प्रकार से फ्रॉड हुआ है आपके साथ? अच्छा, वो सारा बैंकिंग में हुआ है। बैंकिंग में जो कोड डालते हैं वो कोड नहीं है, वो पूरा पैसा है, और करीबन 1 लाख का मुझसे फ्रॉड हो गया है। बुकिंग कितने रुपए कराई थी आपने दोनों के लिए? दो रूम का मैंने 3,000 दिए हुए थे और 3,000 के बाद में उसका 7,000 हो गया था, तो वापस वो पैसे आए नहीं, मगर ज्यादा जा चुके हैं मेरे अकाउंट से। किस तरह से आपसे वो कहते रहे कि वापस पैसे आप डाल रहे हैं, किस प्रकार से आपको ठगी की गई है? उन्होंने बताया कि मैं आपको कोड देता हूँ, आंटी जी घबराइए नहीं, मैं आपको पैसे वापस दे रहा हूँ, मुझे आपका हार्ड मेहनत का पैसा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका है पैसा, मैं आपको ही देना चाहता हूँ, वो अभी कोड डाल दीजिए, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर दीजिए और पैसे आपको सारा मिल जाएंगे। लगभग कितने रुपए की आपके साथ में ठगी की गई है? 1 लाख के हो गई है ठगाई। क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों से जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं? मैं सभी को बस वही सावधान करना चाहूंगी कि कभी भी, मतलब अभी काफी फ्रॉड हो रहे हैं। बिनानी का जो मेन जतिपुरा में है, उन्होंने भी खुद एडमिट किया है कि वहां उनके साथ बहुत उनके नाम से हो रहा है फ्रॉड। तो सब लोग, कोई भी जगह हो, बिनानी नहीं, कोई भी जगह हो यात्रा की, सभी में सावधान रहे, सावचेत रहे, और पूरा डबल वेरीफाई कीजिए पैसे देने से पहले। क्या आपने इसके बारे में साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज की है? हाँ जी, मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट की है, और साइबर में अभी साइबर क्राइम वाले देख रहे हैं कि ये पूरी गैंग कौन है, क्योंकि एक आदमी नहीं है उसमें, सारी बड़ी गैंग है और ये बड़ा सा क्राइम चल रहा है यहाँ पर। लोगों के द्वारा कितने लोगों ने आपके साथ ठगी की, कितने बार के फोन आपके पास आ चुके? अलग अलग फोन आते हैं, बोलते हैं मैं क्राइम से बात कर रहा हूँ, मगर वो क्राइम वाला है नहीं, वो पैसे वाला है। तो इस तरह से करीबन 6 डिफरेंट नंबर से मेरे पास फोन आए हैं।